आज हम देखेंगे इस वीडियो में फ्लाइट मेंटेनेंस का नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग यहां से समझेंगे। पॉइंट सी दिया गया है, इसमें हम लोग ज्ञात करना है एक्स का मान, एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन ये बता दिया गया है कि आर से इक्वल टू आर डी, से आरबी के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है, हम लोग एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। हम देख रहे हैं पूरा बीम की जो लंबाई है वो 600 एम है, और दोनों टेबल के बीच की दूरी 200 एम है, और जो ओवर है निकला हुआ है वो 400 माइनस एक्स है। ठीक है, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे सबसे पहले जैक्सन पे लोड कितना हो रहा है, आरसी प्लस आर डी, ये हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 यानी आरसी प्लस आर डी इक्वल टू 500, है ना, कितना आएगा 500। अब हम आरसी के जहाँ पे आर डी रख सकते हैं या फिर आर डी जहाँ पे आरसी रख सकते हैं, तो हम आरसी प्लस आरसी लेते हैं इक्वल टू 500। ठीक है, इसे देखते हैं 2RC इक्वल टू 500। ठीक है, RC इज इक्वल टू 250। ठीक, RC इज इक्वल कितना, तो RD भी कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। 250 न्यूटन का ये हो जाएगा। अब मोमेंट ले लेंगे किसके अबाउट, C के अबाउट लेते हैं। ठीक है, C के अबाउट मोमेंट लेंगे तब क्या होगा, हम लिखेंगे आर डी इंटू 200 प्लस आर डी 200 प्लस, और कर लेंगे ये वाला 200 प्लस एक्स, इस वाले 200 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू और कौन सा बचा, ये वाला फॉर्मूला, ये कितना होगा, 300 इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 600 माइनस एक्स। ठीक है, 600 माइनस ये कर लेंगे तो देखो, तो आर डी 200 प्लस 200 एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 करेंगे x को घटा लेंगे या फिर दो दूर में कम कर दें तो सब्सटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 100 से डिवाइड करते हैं 100 यहाँ पे कर देंगे 300 ये तो हो जाएगा 2RD plus 2X equal to 1800 plus minus 3X। ठीक है, अब देखिए अब RD की वैल्यू कितनी है, 250, इसे ब्लड ब्लड रंग कर देगा 500। ठीक है, 500 प्लस 2X इधर लगाएगा प्लस 3X इक्वल टू 1800, इस 500 को उधर लेते हैं तो माइनस 500 हो जाएगा, तो जाएगा 5X इज इक्वल टू 1300। एक्स वाई क्या हो जाएगा, 1300 बाई 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। इसका क्या समय में टाइम कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो गया 260। ठीक है,
समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेता हूँ, फिर से इसको हम देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। यहाँ पे क्या है पॉइंट से, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टेक है उसको रिएक्शन उसको इसका रिएक्शन को कितना यूनिट काम करेगा, ये 200 नीचे बना है इसका मतलब ये है कि चाहिए इसको हम इस तरह से भी सम के साथ कर सकते हैं जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से भी हम समझ के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एक सन क्या निकालेंगे आर सी प्लस आर डी इक्वल टू कितना आएगा दोनों का कितना 200 प्लस 300 न्यूटन। ठीक है, तो आर सी प्लस आर डी इक्वल टू कितना है 500 न्यूटन। ठीक, और हम ये भी जानते हैं क्वेश्चन किया गया है कि आर सी इक्वल टू कितना है आर डी है, तो आर सी बराबर कह सकते हैं आर डी कह सकते हैं, तो आर सी प्लस आर सी इक्वल टू 500 न्यूटन इंटू आर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, आर सी इक्वल टू कह सकते हैं 500/2, आर सी इक्वल टू कह सकते हैं 350 न्यूटन और आर डी बराबर क्या हो जाएगा 250 न्यूटन, देखिए दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक, क्या करना है मोमेंट लेना है, तो मोमेंट किसके बाद लेंगे मोमेंट टेकन अबाउट पॉइंट एट पॉइंट सी। ठीक है, सी के बाद मोमेंट लेते हैं, ये तो आर डी स्क्वायर पे कितना आ जाएगा आर डी इक्वल टू 200। ठीक है, इसका कौन सा फोर्स है, इसका फोर्स लेना चाहे तो 200 वाले जो एक्स थोड़ा डिस्टेंस है वो भी हम लोग लेते हैं, पॉइंट ए पर का मोमेंट चलेंगे तो क्या हो जाएगा 200x इक्वल टू 300 600 माइनस 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से आ सकता है 600 माइनस। अब देखिए आर डी की वैल्यू कितनी है, आर डी की वैल्यू 250 है, 250 कर सकते हैं या तो फिर क्या कर सकते हैं या डेल्टा जीरो को यही कैंसिल कर सकते हैं, टू आर डी प्लस एक्स टू एक्स थ्री 600 माइनस एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2RD + 2X = 3 600 - X। आरडी को लिए कितना 250 + 2X + 3 × 18 - 3X। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 250 है ये 500 + 2X = 1800 - 3X। ठीक है, इसको लेंगे 18 कितना हो जाएगा 2X + 3X, इसको लेने आते हैं कितना आएगा 18 × 5 पर 5X = 14 × 5। ठीक है, इस
इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है, समान चल के भी उसके भार 100 न्यूटन 6 मीटर लंबे है, ठीक है। ऐसे इसे ए से बी को और ए से 100 मीटर दूरी पर है, हम इसे चलें इसे सिर्फ ए पर 7 मीटर पर पा रहा है, इसे पर बी क्या करना है, W की वैल्यू निकालना होता है। W की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज करते हैं आपको, C पर मोमेंट लेगा तो हमारा काम हो सकता है, C पर का मोमेंट लेगा। W into कितना मीटर आएगा, 3x4 तो 100 सेकंड दूरी पे 1 मीटर है, तो 62 पे और जो जो प्रश्न है इसलिए ये सब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 120 सेंटीमीटर लंबी 40 न्यूटन भार की एक समान छड़, एक समान छड़ इसमें क्या रखी है कि मम्मी से किनारे 10 सेंटीमीटर बांध दिया हुआ है, को यहाँ पर डब्लू का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सी पे हम लोग मोमेंट ले जाएंगे, सी पे मोमेंट ले जाएंगे, तो W into 10 और 40 into 50
बहुत मुझे क्वेश्चन में दे सकता है, मुझे देख रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत चीज़ क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बात नहीं आपको इजली आ जाएगा। ध्यान से इसको देखिए और समझिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखता है मेरे को ये ऐसा लगा रहा है, लेकिन जो है एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, एक समान छड़ी कुछ से दी जिसका भार 100 न्यूटन है, बहुत ही क्वेश्चन है जिसे आप जल्दी समझ जाएंगे तो फिर सॉल्व करेंगे। ए टू मोमेंट रहेगा किसके अबाउट, मोमेंट रहेंगे हम पी के अबाउट, प्लस आर सी इंटू टू इक्वल टू 100 इंटू 1, ठीक। यहाँ पे आर सी आया है और आर सी देखेंगे कितना बताया गया है, 0 बताया गया है, जब आर सी 0 रखेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, पी प्लस 0 इक्वल टू 100, पी इक्वल टू कितना हो गया 100 न्यूटन।
हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 12 क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या जा रहे हैं बता गया है एक पांच के बाद के समान छह छत्तीस अवस्थान दो जैसे दोनों दौरे थे लेकिन दो जैसे दो बना गया प्रत्येक जैसे चार समीकरण में जो जाओ अधिकतम भार वही कर सकते हैं मध्य बिंदु से कितना दूरी पर यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे रिएक्शन निकालेंगे Thank you.